पीएम मोदी की लड़खड़ाती जुबान के कई वीडियो आपने हाल फिलहाल में जरूर देखे होंगे। जानते हैं इसकी वजह क्या है। इंडिया की ताकत। इंडिया की ताकत को देखकर पीएम मोदी के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग की तारीख करीब आ रही है, पूरे एनडीए की धड़कनें तेज हो गई है। हाँ, एनडीए से याद आया, इंडिया की ही ताकत को देखकर मोदी ने ठंडे बस्ते में डाले गए एनडीए को झाड़ पोंछ कर मुकाबले के लिए तैयार किया है। और अब जब मुकाबले की ही बात हो रही है तो आपको बताते हैं कि मुकाबला असल में है कैसा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इंडिया को 26 पार्टियों का समर्थन है जबकि एनडीए गठबंधन के साथ 38 पार्टियां हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के साथ आए करीब करीब सभी दल बुझे हुए चिराग, जिसका सबूत यह है कि 38 में से करीब 26 पार्टियां ऐसी हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, यानी कि 0/0। और 8 पार्टियों के पास मात्र एक एक सांसद है, यानी एनडीए की 34 पार्टियों के पास महज 8 सांसद है। ना कमाल की बात। यानी रैली की ही तरह गठबंधन में भी सिर गिनने के लिए मोदी जी ने सिर्फ भीड़ इकट्ठा की। वोट शेयर के मामले में भी एनडीए गठबंधन इंडिया से काफी पीछे है। इंडिया के पास 49% वोटों की ताकत है तो वहीं एनडीए 41% वोटों पर सिमट रहा है। जो प्रधानमंत्री पानी पी पी कर विपक्ष के कुछ नेताओं को भ्रष्टाचार पर कोसते नहीं थकते थे, आज हार का डर देखकर उन्हें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर एनडीए की डूबती नाव पर सवार कर लिया। ये सीना ठोक के एक अकेला की बेचैनी नहीं है तो और क्या है। दरअसल हर सर्वे में मोदी और एनडीए की हार ने मोदी की रातों की नींद उड़ा दी है। कुर्सी खिसकने की आहट उन्हें होने लगी है। आज वक्त का मिजाज ये है कि इस मुल्क की आवाम अब इंडिया के साथ तरक्की के नए सफर पर चलने को तैयार है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।